हे व्हेंटिलेटरचा वापर अँब्युबॅगला ऑपरेट करण्यासाठी होतो. तर सध्या लॉकडाऊनची परिस्थिती असल्यामुळे मला अँब्युबॅग तर मिळाली नाही, म्हणून मी हे लेटेक्स ब्लॅडर वापरतोय. तर अँब्युबॅग साधारण अशा प्रकारची असते, एका बाजूला अँब्युबॅगला पाईप असतो ज्याला फेस मास्क लावलेला असतो. हा फेस मास्क कोरोना बाधित रुग्णाच्या चेहऱ्याला लावला जातो आणि याला दुसऱ्या बाजूला ऑक्सिजनचं रिझर्वायर असतं ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन साठवला जातो. तर हे अशा प्रकारची अँब्युबॅग जी आहे ही या मशीनद्वारे ऑपरेट केली जाते. आता हे जनरली हे मॅन्युअली असं ऑपरेट केलं जातं इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये, पण सध्याची परिस्थिती पाहता हे असं जास्त काळापर्यंत ह्याला असं हाताने आपण ऑपरेट करू शकत नाही, म्हणून याच्यासाठी ही मशीन आहे. आता मी तुम्हाला याचा डेमो करून दाखवतो की कशा पद्धतीने ऑपरेट करते. आपल्याला अँब्युबॅग इथे अशा पद्धतीने ठेवायची आहे आणि मशीन सुरू करायची आहे. मशीन सुरू केल्यानंतर ही मशीन चालू झाल्याचा आहे हे बघू शकता. तर ही मशीन हे जे अँब्युबॅग आहे ह्याला कंप्रेस करते. तर या मशीनमध्ये जे ह्याची जी व्हॉल्यूम सेटिंग जी आहे ह्याला कंप्रेस करण्याची ह्याच्यामध्ये आपण करू शकतो. त्याचबरोबर आपण ह्याची स्पीड सुद्धा या इथे दिलेल्या कीज कन्सोल वरून ह्याची स्पीड सुद्धा कंट्रोल नियंत्रित करू शकतो. ह्याच्यामध्ये इमर्जन्सी स्टॉप पण दिलेला आहे. समजा जर काही इमर्जन्सी कंडिशन्स मध्ये ह्याला लगेच आपण थांबव मशीनला बंद करू शकतो. व्हेंटिलेटर बनाने के लिए मोस्टली मैंने जनरल स्टडी किया तो उसमें ऐसा मुझे दिखा कि उसमें कुछ पंप्स लग रहे थे, पंप्स और कुछ सेंसर्स जिसके मदद से वो बना सकते हैं वेंटिलेटर, तो वो तो अवेलेबल नहीं हो रहा था. उसके लिए मैंने कुछ और डिजाइन देखे कि जो मैं उस पर काम कर सकता हूँ. तो मैं कॉलेज का जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये नोटिफिकेशन देखा ये यंत्र का, तो मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसके लिए मैंने जस्ट एक सोच लिया कि अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो मैं आपके ये यंत्र में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा. तो मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया, फिर घर में पार्ट्स ढूंढे इधर उधर से, फिर जो ऐसा कबाड़ मटेरियल पड़ा था उसमें से कुछ मटेरियल निकाल के उसमें से कुछ पार्ट्स बनाने पड़े, क्योंकि हार्डवेयर के लिए मेरे पास तो कोई ज्यादा टूलिंग वगैरह भी अवेलेबल नहीं था. तो जितना मुझे हो सका उतने इसमें मैंने वो बनाने की कोशिश की. मेरे पास कुछ मोटर्स थे, मोटर ड्राइवर्स थे, और एक जो बॉक्स वगैरह आप जो देख रहे हैं उस पे जो स्विच बोर्ड वगैरह जो लगा हुआ है वो मेरे पास पहले कुछ में मैंने मशीन बनाए थे उसमें से मैंने वो निकाल के वो मशीन में वेंटिलेटर में ऐड कर दिए. जो मैं कर सकता हूँ उससे अगर सोसाइटी को क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. बेसिकली इसमें दो प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस करने पड़े. एक जो था वो मोटर माउंटिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मोटर अगर ठीक से माउंट नहीं कर पाए तो उसमें वाइब्रेशन आते हैं और मशीन वाइब्रेट करने लगेगी. तो उसके लिए मैंने मोटर माउंटिंग के लिए कुछ घर के ही प्लाईवुड शीट्स, क्लैंप्स, नट बोल्ट से मैंने मोटर माउंट बनाया और कुछ एल्यूमिनियम पाइप से मैंने निकाल के उसके शाफ्ट का जो कपलिंग रहता है वो मैंने घर पे बना लिया. और दूसरा एक पार्ट था जो था लिमिटिंग स्विचेस, जो लिमिट करेगा वो डिस्टेंस जो कि प्रेस करना है, तो वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे. तो मैंने कॉपर क्लैड और पेन की स्प्रिंग्स यूज करके उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जो कि जाके स्प्रिंग जब कॉपर क्लैड को टच करता है तो वो वापस रिसेट होता है, और वापस जब नेक्स्ट कॉपर क्लैड के पास जाके उधर टच करता है तो वापस रिसेट होता है. ऐसा मैंने एक मैकेनिज्म घर पे ही बना लिया. मैं पहले जो प्रोजेक्ट बनाता था उसका मैं खाली डायरेक्टली मैं प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू कर देता था. तो मुझे मैंने जब इंटरव्यू फेस किया, जब मुझे ये पता चला सब चीजें, उसके बाद मुझे ये लगा, रियलाइज हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी चीज है. स्कल्पचरिंग मेरी हॉबी है. Okay. क्ले आइडल्स बनाता हूँ, तो उसके वजह से मुझे ये हेल्प करता है कि अगर जो आप फिनिशिंग की बात कर रहे हो तो मुझे उसके वजह से ये स्किल डेवलप हुआ है मुझे में कि मैं उसके वजह से ये सब फिनिशिंगली कर पाता हूँ. जो रिसोर्सेस मेरे पास थे, जो मटेरियल मेरे पास था, उसमें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था.
तो जितना मटेरियल अवेलेबल है उतने मटेरियल में जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है, अपना जो एम है उसके पास एम सेटिस्फाई पूरा कंप्लीट करना है, तो वो सबसे बेसिक पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं पहले कैसे था, खुद के लिए प्रोजेक्ट बनाता था, कॉलेज में अगर सबमिशन रहा तो कॉलेज में बताता था, नहीं तो घर पे मैं खुद यूज कर लेता था उसका। मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ उसको वीडियो पोस्ट करना वगैरह ये कुछ नहीं करता था। तो ये यंत्र का वजह से ही मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी, उसके लिए बहुत सारे टेक लेने पड़े, वीडियो निकाल के अपलोड करना, वो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें से सीखी। अभी जो सिचुएशन चालू है इसके बाद जो शुरुआत होगी वापस से, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगने वाली है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बहुत कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग के हम स्टूडेंट्स हैं वो अगर कुछ कर पाए सोसाइटी के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ बना सके प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि सोसाइटी में एक्चुअली यूज कर सके, तो वो बेनिफिशियल रहेगा कि सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि हमें कुछ नया हमारा जो आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में।